जयपुर में शनिवार रात 22 साल की युवती से छेड़छाड़ और मारपीट का मामला सामने आया है। कुछ बदमाश युवती को बीच सड़क पर रोककर छेड़छाड़ करने लगे। विरोध किया तो सिर पर शराब की बोतल फोड़ दी। इसके बाद हॉस्टल की कई लड़कियां सड़क पर उतर आई। बारिश के बीच सड़क पर प्रदर्शन शुरू कर दिया, ट्रैफिक रोककर जाम लगा दिया। घटना जयपुर के कानोता थाना इलाके की है। दरअसल हॉस्टल में पढ़ने वाली एक लड़की के साथ शनिवार शाम करीब 8:30 बजे अज्ञात बदमाशों ने छेड़छाड़ की। उसे किडनैप कर ले जाने की कोशिश की। युवती ने विरोध किया तो मारपीट की गई। फिर युवती को घायल हालत में छोड़कर बदमाश मौके से भाग निकले। घटना की जानकारी मिलने पर हॉस्टल की सैकड़ों लड़कियां मौके पर पहुंची और 108 की सहायता से घायल युवती को SMS हॉस्पिटल भेजा गया। घटना को लेकर हॉस्टल वार्डन सहित सभी लड़कियों ने जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। कुछ ही देर में गुस्साए लड़कियों ने जयपुर आगरा हाईवे को जाम कर दिया। आधे घंटे हाईवे पर जाम लगा रहा।